दोस्तों एबी डीलर्स की होगी 2021 T20 वर्ल्ड कप में वापसी। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। IPL 2021 में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे एबी डीलर्स के फैंस पिछले दो साल से उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की बाट जो रहे हैं। एबी डीलर्स के मौजूदा फॉर्म को देखकर तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी T20 मैच साल 2017 में खेला था। दोस्तों भारत में इस साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप आयोजित होगा। दोस्तों डीलर्स की दक्षिण अफ्रीका टीम में वापसी के कयास फिर से लगने लगे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप से पहले भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2020 के रद्द हो जाने के बाद एबीडी की वापसी की चर्चा बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप की दस्तक होते ही एबीडी के संन्यास से वापसी को लेकर चर्चा होने लगी है। 37 वर्षीय ड्यूलियस ने रविवार को मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि उनकी टीम के कोच मार्क ब्राउचर के साथ चर्चा होनी है, इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ड्यूलियस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले साल उन्होंने मुझे इस बारे में पूछा था कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो मैंने हामी भरी थी। IPL में आकर ये देखना है कि मैं कैसे फॉर्म में हूँ, मेरी फिटनेस और परिस्थितियाँ कैसी है, इसके बाद ही कोई फैसला करूँगा, क्योंकि बाउचर सर्वश्रेष्ठ 15 खिलाड़ियों का चयन करना चाहते हैं। दोस्तों डीलर्स ने आगे कहा कि अगर मैं IPL में अच्छा करता हूँ, मेरी फिटनेस अच्छी रहती है, तो बाउचर मुझे अपनी टीम में जरूर मौका देंगे। दोस्तों डीलर्स का चयन वर्ल्ड कप की T20 टीम में IPL के प्रदर्शन के दौरान ही होगा, लेकिन अभी तक डीलर्स शानदार पारी खेल रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड कप की T20 टीम में डीलर्स का चयन होना लगभग तय है। दोस्तों आपको क्या लगता है, डीलर्स का चयन होगा कि नहीं होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।